हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और आज मैंने सुबह से लेके दोपहर तक बहुत सारी गार्डनिंग की है। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल बटन को भी दबा दे ताकि मेरे हर नए अपलोड्स का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सुबह को मैंने नर्सरी में गई थी आज, तो नर्सरी से मुझे कुछ प्लांट्स ख़रीदने थे तो वो सब मैंने ख़रीदा और फिर मैंने उस जगह पे जो है वो मैंने अरेंज किया है, ये देखिए अच्छे से। तो अभी जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही है, मेरे विंटर के फ्लावर्स जो है वो सूख रहे हैं तो मैंने उनको हटा दिया है। जो जो सूख गए थे मैंने वो हटा दिया और उन्हीं ग्रो बैग्स में जहाँ पे मेरे विंटर के प्लांट्स लगे थे वो तो खाली हो गए थे। और मिट्टी जो है मैंने फिर से मिट्टी को निकाल के फिर उसमें गोबर की खाद, सूखी हुई गोबर की खाद मिलाकर फिर से मैंने इस मिट्टी को जो है यूज़ कर दिया है। आप लोग भी ऐसा करते ही होंगे, मिट्टी को तो फेंका नहीं जाता, तो इसको हर बार हम यूज़ कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ग्रो बैग्स में मैंने क्या लगाया है, ये देखिए चिली का प्लांट है। तो ये दो चिली के प्लांट मुझे पड़े 30 रुपीज़ ईच और ये दो ग्रो बैग्स में मैंने लगाया है कैप्सिकम के पौधे। ये देखिए इसमें छोटा सा फ्लावर भी आया है, दोनों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसमें भी आप देखिए ये छोटा सा, तो ये दो कैप्सिकम के प्लांट्स मुझे पड़े 40 रुपीज़ ईच। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक फ्लावरिंग प्लांट भी ख़रीदा है और ये है हिबिस्कस का एक प्लांट और ये मुझे पड़ा है 100 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये अभी ऐसा पतला सा ऐसा एक ही स्टिक है, लेकिन धीरे धीरे ये मैंने बुशी प्लांट ढूंढा था लेकिन मुझे नहीं मिला, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको ही मैं केयर लेके इसको बहुत अच्छा सा एक बुशी सा प्लांट बना दूंगी। और इसमें एक बर्ड और भी है और ये जो आप देख रहे हैं ग्रो बैग, इसमें एक मैरीगोल्ड का पौधा सूख गया था तो उसको मैंने हटा दिया। और ये जो बड़ा सा प्लांट आप देख रहे हैं टोमेटो का, इसमें ये ऑलरेडी उस इसी बैग में ये ग्रो करने लगा था तो मैंने इसको हटाया नहीं था। और ये देखिए और एक प्लांट जो है इसी में खुद ब खुद होने लगा। और ये जो प्लांट देख रहे हैं इसको मैंने किसी दूसरे पॉट से निकाल के यहाँ पे लगाया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे डालियास के गमले में जो खुद ब खुद ऐसे देखिए टमेटोज के पौधे निकलने लगे हैं, ये देखिए। तो इनको मैं फिर हटा के किसी और गमले में लगा दूँगी। फ्रेंड्स, मैं इस बार सोच रही हूँ थोड़ी सी वेजिटेबल गार्डनिंग करूँ। तो ये जो जगह है यहाँ पे बहुत अच्छी धूप पड़ती है और आपको पता ही है कि वेजिटेबल्स के प्लांट्स को अच्छी धूप चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी जगह पे अपने सारे वेजिटेबल्स को मैं ग्रो करूँ। और जब ये सारे प्लांट सूख जाएंगे तो मुझे ये ग्रो बैग्स जो है ये खाली हो जाएंगे और फिर मैं इनमें कुछ कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट्स लाकर लगाती रहूँगी। आपको मैं ज़रूर बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी मैं क्या क्या लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने यही सब काम किया। फ्रेंड्स, मैं आज ये प्लेट्स भी लाए हूँ, टब के नीचे जो हम प्लेट्स लगाते हैं, तो ये प्लेट्स मुझे पड़े 20 रुपीज़ करके, तो 100 रुपये में मुझे 5 प्लेट मिला। छोटी सी छोटी बात भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप मेरे फैमिली की तरह है, आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको हर छोटी सी छोटी बात बताने में मुझे बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, ये मेरे डालियास देखिए कितने बड़े साइज़ के खिले हैं। और इस वाले प्लांट में भी फ्रेंड्स सेम कलर का ही फ्लावर आएगा, मुझे लगा था कोई दूसरा कलर होगा लेकिन कोई बात नहीं है,
फूल जैसा भी हो खूबसूरत ही लगता है, जैसा कलर भी आए फूल में। तो अगर कोई दूसरा सा कलर होता तो थोड़ी सी वैरायटी आ जाती, पर कोई बात नहीं, मुझे ये भी बहुत प्यारे लगेंगे जब खिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने प्लांट्स का खूब सारा ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी गार्डनिंग।